हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश पांडे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं फिर से आऊँगा और फिर से दूसरे टॉपिक्स रेबिट के टॉपिक कवर करूँगा, तो उस सीरीज में मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हम लोग फोर अपने फ्लोर तो बनाया था हमने लास्ट टाइम। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग रूफ डिफरेंट टाइप के रूफ्स को कैसे बनाते हैं रेबिट आर्किटेक्चर पर। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको डेली वन वीडियोस ब्रीफ अपडेट्स कोशिश करूंगा देने की, तो उस सीरीज़ में मैंने आज फिर से स्टार्ट किया एक नया टॉपिक कवर करने के लिए। आप प्रॉमिस, अगर पुराने टॉपिक्स को नहीं देखे तो प्लीज़ उन सभी को देखिए पहले, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। मैं पूरा का पूरा रेबिट आर्किटेक्चर आपको कवर करके देने वाला हूँ इस चैनल सीरीज में। और इन सबको करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट करो नीचे, या कुछ भी नहीं समझ में आता उसके लिए कमेंट करो। तो पहले सब्सक्राइब करो चैनल को और फिर बेल आइकन को दबाओ। अब चलो काम की बात करते हैं, लाइक अभी जो हमें पढ़ना है वो हमको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रूफ्स बताने जा रहा हूँ। तो रूफ्स में सबसे पहले तो आपको वॉल पे क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी बॉक्स में देखो तो बाय डिफॉल्ट 9 इंचेस की वॉल बना के रखी है। कैसे बनाते हैं और 9 इंचेस की वॉल, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वॉल को ड्रॉ किया। ठीक, सपोज हमने यहाँ पे 12 बाई 12 का एक रूम लिया, 12 बाई 12 का एक रूम लिया। आप इसे डायरेक्ट इंटर कर सकते हो यार, और 12 फीट लिया। इसके बाद हमें इधर क्यों लेना है, जस्ट क्लिक किया और क्लिक करके इसको मिला दिया। ठीक, 12 बाई 12 का हमने एक रूम तैयार कर लिया। इसको अगर आप 3D में देखना चाहो तो देख भी सकते हो 3D में। इस तरह से 12 बाई 12 का एक बॉक्स तैयार हो गया जो जो एक रूम को फ्रेश करता है, लाइक रूम को शो करता है। ठीक, अब इसको देखने के बाद अब आपको मन हुआ कि मैं इस पर रूफ को लगाऊं। ठीक, तो रूफ को लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है लेवल 2 पर, क्योंकि रूफ जो होगा वो कहाँ जाएगा, लेवल 2 पर जाएगा, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस भी किया था उसके बारे में। तो अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे रूफ लगाना है, ठीक, तो रूफ को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रूफ को लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना चाहिए और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे तुरंत हमें रूफ ड्रॉ कर देना चाहिए। ठीक, जैसे हमने रूफ को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे आप, तो सपोज मुझे रूफ यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए। ठीक, देखिए मैंने अगर डायरेक्ट इसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, तो देखो अभी क्या होगा। फिनिश करके हम इसके रिजल्ट को अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अटैच करने के लिए बोला, मैंने कहा यस अटैच कर दो, लाइक वॉल को हमने उससे अटैच करना चाहा और अटैच करके मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो आपको रूफ कैसा मिल रहा है, कुछ इस तरह का रूफ मिल रहा है जिसमें 4 कॉर्नर्स जो हैं ये इनके स्लोप्स ऑन है। ठीक है, इनके स्लोप्स ऑन है, इनके स्लोप्स को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक, इस तरह से और इस तरह से देख रहे हो आप, तो इस तरह से आपको जिस तरह का फ्लोर चाहिए, जिस तरह का रूफ चाहिए आप उसको मिल सकेगा। अब रूफ की अपनी एक फिक्स थिकनेस है, जैसा कि आपको पता है कि स्लैब की थिकनेस हम लोग 6 इंचेस लेते हैं। तो उसको एडिट करना है तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट दे दीजिए, उसको नाम दे दीजिए रूफ, और यहाँ पर लिख दीजिए जब भी इसका आप रखना चाहते हो साइज 6 इंचेस सपोज, तो 6 इंचेस करके ओके कर दीजिए। आफ्टर इट गो टू स्ट्रक्चर एंड देन क्लिक ऑन एडिट एंड गिव योर डिस्टेंस हाउ मच यू वॉन्ट, लाइक यू वॉन्ट 6 इंचेस, देन यू कैन क्लिक 6 इंचेस एंड सी लाइक सी योर ऑब्जेक्ट इट्स 6 इंचेस। ओके, बट सपोज यू वॉन्ट कि मैं दोनों पे नहीं चाहता हूँ, दोनों पे स्लोप नहीं चाहते, जैसे यहाँ पे चारों कॉर्नर पे स्लोप है ना, तो मैं सिर्फ 2 कॉर्नर पे स्लोप चाहता हूँ और 2 कॉर्नर पे स्लोप नहीं चाहता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लेवल 2 पे जाइए और अपने स्लैब को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप देखिए क्या लिखा है, एडिट फुटप्रिंट। ठीक, एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर आएगा स्लोप ऑफ करने के लिए। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दाब के हमने इसको दो इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल करके। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इनके स्लोप को ऑफ कर दिया। ठीक, डिफाइन स्लोप को ऑफ कर दिया। अब जैसे इनके डिफाइन स्लोप को ऑफ करोगे और फिर फिनिश करके अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये सी ये इस तरह से दिख रहा है, इन द सेंस कि एक झोपड़ी टाइप का। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाइट हो गया ना, तो इसको आप जितना आपको हाइट चाहिए उसके हिसाब से मैनेज कर दो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस तरह से बना सकता है, लाइक हमने 2 का स्लोप ऑफ कर दिया और 2 का स्लोप हमने ऑन कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया अच्छा सा एक झोपड़ी टाइप का जो भी हमें बनाना है। तो ये भी एक रूफ का एक टाइप था। ठीक है, रूफ का ये भी एक टाइप था। ठीक, अभी सबसे पहले हमने क्या किया, 4 कॉर्नर्स को स्लोप दिया, अब 2 कॉर्नर्स को दिया। अब क्या यार हमने क्या करने जा रहे हैं कि स्लोप ऑफ ही करने वाले, स्लोप हटाने वाले हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, फिर से सेलेक्ट किया, एडिट डिफाइन फुटप्रिंट। ठीक, अब इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और इन दोनों के मैंने डिफाइन स्लोप को ऑफ कर दिया। ठीक, जैसे डिफाइन स्लोप को ऑफ किया, देखिए सबके डिफाइन स्लोप ऑफ हो गए हैं, चेक कर लीजिए और इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए सी। अभी क्या मिला आपको, इस तरह का रूफ मिल गया,
ठीक है, जो कि आप प्लेन रूफ जो आपको लाइक नॉर्मली आप यूज़ करते हो, और इसकी जो थिकनेस आपको रखना है, इफ़ यू वांट 6 inches यू कैन गो एडिट टाइप एंड गिव योर थिकनेस हाउ मच यू वांट। ओके, आफ्टर इट लाइक मैं और भी दूसरे डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही अच्छे से टाइप्स के आप इसमें रूफ बना सकते हो। एक वीडियो मैं और तैयार करूँगा इस टॉपिक पे, उसमें और भी अच्छे अच्छे टाइप के हमको रूफ तैयार करेंगे, लेकिन इस सीरीज में मैं एक और करने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने अभी इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक, और लाइक कुछ भी थ्योरी इसके रिलेटेड पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है unixsivil.com के बारे में, तो unixsivil पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक, रेविट का नोट्स मिल जाएगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, वेल अभी चल रहे हैं हम दूसरे टाइप के रूफ़ को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरे टाइप के रूफ को बनाने से पहले मैं एक बार फिर से इस पर गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमने इसको ऑन किया, और इसको ऑन करने के बाद देखो यहाँ से चलाया और चला के इस तरह से हमने रूफ़ का स्ट्रक्चर बना दिया कि हमको रूफ़ इस तरह से बनाना है। ओके, अब इसके बाद हमने दो तरफ का डिफाइन स्लोप ऑफ कर दिया। ठीक, एक ये और एक ये, इसका हमने डिफाइन स्लोप ऑफ किया। और यहाँ पे जैसे यस करते हो, लास्ट टाइम हमने किया था वुड यू लाइक टू अटैच द हाईलाइट वॉल्स, अगर आपने नो किया उस बार तो यस किया था हमने, तो आपने देखा था दोनों अटैच थे, बट अगर नो किया तो देखो आपको क्या मिलेगा। नो किया फिर यहाँ पे व्यू करके फिर से 3D व्यू पर जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ओपन मिल रहा है। राइट, अब ओपन मिल रहा है तो आपको इसको तो बराबर करना पड़ेगा, अगर अटैच वॉल यस कर दिया होता तो ये अटैच मिलता। ठीक, बट मान लो आपने नहीं किया और अब आपको करना है, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे अटैच टॉप बेस। ठीक है, अटैच टॉप बेस पे आपको क्लिक करना, और क्लिक करके जैसे आप अपने टॉप पे क्लिक करोगे देखो इसने क्या किया, इसको मिला दिया इससे। ठीक, ऐसे ही अगर आप इधर का भी कॉर्नर मिलाना चाहते हो तो आप वॉल को सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे अटैच, डिटैच करना है तो डिटैच कर दो, अटैच करना है तो अटैच करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये भी अटैच हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आपको इन कॉर्नर्स को भी अगर अटैच करना है तो सेलेक्ट करिए, अटैच टॉप बेस, और यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक, आफ्टर इट लाइक लास्ट वन इज दिस वन, इफ़ यू वांट टू मेट दिस वन ऑल्सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अटैच टॉप बेस। ठीक, सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मिक्स हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक इन हिंदी, लाइक कुछ लोगों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो एक सीरीज में निकाल रहा हूँ हिंदी में और एक सीरीज में निकाल रहा हूँ इंग्लिश में, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप सीख सकते हो। ठीक, तो एक दूसरी सीरीज जो है वो हमारी इंग्लिश में रहेगी, तो इंग्लिश में आपको जिसको समझना है इंग्लिश, जिसको हिंदी में हिंदी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रूफ को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ओके, अब इसके बाद दूसरे टाइप का रूफ देखते हैं। ठीक है, इसमें देखा हमने टाइप्स, दो तीन टाइप्स देखा, स्लोप ऑन करके ऑफ करके एंड ऑल। ठीक, अब एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक्शन वाली जो कह सकते हो ऑफ रूफ, उसको हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे, जैसे कि वो हमारा, अगर आप देखो तो रूफ के जो लाइक सबसे ऊपर वहाँ पे जो स्टेयर होता है, स्टेयर के ऊपर जो टेरिस होता है, उस टेरिस पे आप अच्छे अच्छे डिजाइंस कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूफ बाई एक्सट्रूजन। क्या मिलेगा, रूफ बाई एक्सट्रूजन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पिक अ प्लेन। ठीक, प्लेन मतलब किस प्लेन पर आप बनाना चाहते हो, आपने ओके किया, ओके करके चाहे इस प्लेन पर बनाइए चाहे इस प्लेन पर बनाइए, मैं इस प्लेन पर बनाने जा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, जैसे सेलेक्ट किया तो ये तुरंत आपको बोलेगा किस एलिवेशन में आप जाना चाहते हो, तो आपने कहा हम नॉर्थ में जाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ में ओपन व्यू कर दिया। ठीक, अब किस लेवल पे बनाओगे, डेफिनेटली कोई दो राय नहीं, आप किस लेवल पे बनाओगे, लेवल 2 पे बनाओगे, तो हमने लेवल 2 को लिया और लेके ओके कर दिया। ठीक, लेवल्स के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बताइएगा आपको, मैं क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा ये दोनों वॉल्स हैं, अब यहाँ पे मुझे अगर रूफ तैयार करना है, ठीक है, डिजाइन में रूफ तैयार करना है, तो आप यहाँ पर रूफ के लिए क्या ले सकते हो, स्पाइलाइन। ठीक है, जैसे आपने स्पाइलाइन लिया, अब जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके इस तरह से। ठीक, और इसके बाद आप नीचे आना चाहते हो इस तरह से नीचे आ जाओ, और नीचे आना चाहते हो इस तरह से, और फिर इसके बाद ये। ठीक, जैसे आपने मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया, अब देखिए तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे। राइट, अब अगर इसी पे मुझे इसी का मुझे रूफ बनाना है, थोड़ा सा एडिट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अगर ये उड़ जाए तो अच्छा लगेगा, और इस तरह से थोड़ा सा नीचे हो जाए तो ये अच्छा लगेगा, और ये थोड़ा कम हो जाए। ठीक, मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, और ये देने के बाद मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। इसको देने के बाद मैंने यहाँ पे यस किया। ठीक है, जैसे आप यस करोगे और आप इसको अगर 3D में देखोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, ये रूफ
कुछ इस तरह का ये रूफ दिखेगा, ठीक है, कितना ही लाइक आपको मे भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि आप चाहते हो कि थिकनेस कम हो जाए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, एडिट टाइप पर जाइए और यहाँ पर डुप्लीकेट पर जाइए और इसका नाम दे दीजिए रूफ एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन रूफ हो गया, और इसको ओके किया और इसके स्ट्रक्चर पे गए और गिव योर थिकनेस हाउ मच यू वांट, लेट्स सपोज यू वांट 6 इंचेस, सो क्लिक 6 इंचेस, ओके किया, और यहाँ पे भी ओके किया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया कितना, 6 इंचेस आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप मान लीजिए इसको बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये भी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, आप बढ़ा दो। ये देखा होगा आपने टेरिस पे मैक्सिमम लोग इस तरह के रूफ्स को यूज़ करते हैं, तो ये रूफ्स काफ़ी लाइक स्टाइलिंग में आप बना सकते हो। कोई एडिटिंग करनी है आपको, तो आप इस पर सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके जो एडिटिंग करनी है कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अच्छे से एडिट करना है, तो आप फिर से चले जाओ उसी एलिवेशन में जिस एलिवेशन से इसको बनाया था, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन में जाओ, फिर से वहाँ पे एडिट करके और फाइनल यस करोगे, तो आपको इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक। बनाइए, अगर आपको बना के कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि कुछ कर दिया जाए और उससे और इम्प्रूव हो सकती है, क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है या कुछ भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करो यार, क्योंकि ये जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है अच्छा ये करना चाहिए, तो इस तरह से मुझे सपोर्ट मिलेगा और कमेंट से मुझे पता चलेगा ओके मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को भी इम्प्रूव करूँगा, ठीक। क्योंकि मुझे रैबिट के मैक्सिमम सारे टॉपिक्स आते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इस पर कई प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूँ। सो अगर कहीं पे आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा मुझे। अभी जैसे कि यहाँ पे आपने वॉल देखा, अब इस वॉल को इससे अटैच करना चाहते हो, तो यहाँ पे बस क्लिक करना है अटैच टॉप बेस, अटैच किया, ये देखिए वॉल तैयार हो गया, ठीक। इस तरह से हमने वॉल तैयार किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे अटैच टॉप बेस करके इसको तैयार कर दिया, ठीक। अभी नेक्स्ट टॉपिक अभी समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक रूफ बाय एक्सट्रूजन, कि कैसे रूफ बाय एक्सट्रूजन और कैसे नॉर्मल रूफ को हम लोग तैयार करेंगे, और होप समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, और लास्ट टाइम बोलता हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है उसको कर देना यार, और साथ ही साथ मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो टॉपिक आने वाला है इस पर हम लोग स्टेयर्स को कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो एरिया कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, किसी भी फील्ड का एरिया कैसे पता करेंगे कि उसका क्या एरिया है, उसके बारे में आने वाला है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये 2 दिन के टॉपिक्स हैं। बाकी आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर किसी को पढ़ना है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को भी कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, और मैं एडिट नहीं करने वाला, यही डालने वाला हूँ, क्योंकि पता है आपको एडिट में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।